हेलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल गुड इवनिंग आनंद जी कुसुम रवि मलय तिवारी राजकुमार स्वाति प्रेम शंकर जी सभी लोगों को गुड इवनिंग स्वाति सभी लोगों को गुड इवनिंग वेलकम टू महिंद्राज ऑफिशियल चैनल मैं पूजा महिंद्रा आप लोग का तय दिल से वेलकम करती हूँ और अभी तक हमने जनरल साइंस के चार पार्ट डिस्कस कर लिए हैं आज हम जनरल साइंस का एमसी का जो है वो पार्ट नंबर फाइव डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम ग्रुप डी के एग्जाम रेलवे के एग्जाम में आपको बहुत मददगार साबित होंगे अगर अभी तक अभी आपने वो चार पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाइएगा पूजा महिंद्रा सर्च कीजिएगा आपको सारे के सारे वहां पर पार्ट्स मिल जाएंगे तो आप उन्हें देख सकते हैं तो फटाफट आज हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन और एक बार सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लिंक को शेयर कर देंगे जिससे आपके साथ आपके दोस्त भी जुड़ जाएंगे और सभी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे ठीक है आज चौदह अप्रैल और बिल्कुल आज चौदह अप्रैल को भीम जयंती बाबा साहब अंबेडकर जयंती को हम सेलिब्रेट करते हैं तो क्या खास बातें थी बाबा साहब के बारे में सेशन के अंत में हम उनकी एक छोटी सी बायोग्राफी को भी डिस्कस करेंगे कि उन्होंने भारत में क्या क्या योगदान दिया है तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखेंगे और अंत में आपको वापस से एक प्रैक्टिस प्रश्न मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा जिन बच्चों का सही आंसर होगा उनको हम अपने प्रेजेंटेशन में शामिल करेंगे क्लियर तो देखिए कल का क्या क्वेश्चन था हमारा ओके okay. तो देखते हैं कल क्या क्वेश्चन था हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया था कि क्रोनिक एक्सपोजर टू विच कॉज ब्लैक फूड डिसीज तो मेरा प्रश्न था कि ब्लैक फूड डिसीज होने का रीजन क्या है तो आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था कि आर्सेनिक के कारण जो है वो आपको ब्लैक फूड रोग हो जाता है तो बिल्कुल सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी तो देखिए किन किन लोगों ने सही आंसर दिया तो मिस्टर राधे मिस्टर राधे ने बिल्कुल बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है आर्सेनिक के कारण ब्लैक फूड डिसीज होती है और जो लेड होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट तो करता ही साथ ही साथ हाई ब्लड प्रेशर का रीज़न भी जो होता है वो लेड होता है किशन गुप्ता जी दीप्ति सिन्हा आर्या संजीत मंडल जी बिल्कुल ब्लैक फूड के कारण जो है वो आपको आर्सेनिक के कारण ब्लैक फूड डिसीज़ होती है ग्राउंड वाटर में जब आर्सेनिक मिल जाता है और उस ग्राउंड वाटर को जब हम कंज्यूम करते हैं तब ये डिसीज़ होती है राजकुमार जी अंगद नदीम, मनाली एंड रंजीत सिंह सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर था सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर था uh, सभी ने सही आंसर दिया तो आज भी हमारे वीडियो के अंत में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा जिसका सही आंसर होगा उसको हम वापस से अपने प्रेजेंटेशन में शामिल करेंगे बिल्कुल गुड इवनिंग सुशील शुभ संध्या रवि कुमार जी आइए हम सेशन की शुरुआत करेंगे देखिएगा अभी एस एस सी का एग्जाम चल रहा है और आप में से भी किसी लोगों का कई लोगों का जो है एच एस सी का एग्जाम होगा अब जीएस के क्या प्रश्न आए तो जल्दी से ब्रीफ में हम देख लेते हैं क्योंकि हमारा जो सेशन है वो जनरल साइंस पे बेस्ड है हमको यहाँ पर बाकी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना है लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन आपकी मदद के लिए शामिल किए हैं कि देखो सी एच एस एल में कैसे पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं हो सकता है आपके एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न हो तो देखिए कुछ क्वेश्चन को मैंने वन लाइनर को यहाँ पर शामिल किया है उसके बाद हम साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो जैसे कि सी एच एस एल में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एट विच रिवर इंडिया मैनचेस्टर इज सिचुएटेड भारत का मैनचेस्टर किस नदी पे है तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि भारत का मैनचेस्टर क्या है अब मैनचेस्टर जो है बेसिकली कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहते हैं अब प्रश्न ये हो गया है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे है आंसर करेंगे चलिए आंसर करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर साबरमती ठीक है साबरमती साबरमती के किनारे जो है वो अहमदाबाद है जिसको हम भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके सी में पूछा गया था कि विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज स्टेनिटी मतलब बांझपन फर्टिलिटी प्रॉब्लम रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम किस विटामिन की कमी के कारण होता है तो देखो सभी लोगों ने सही आंसर कर दिया कि विटामिन ई के कारण होता है बिल्कुल सही बात है विटामिन ई के कारण जो है वो बांझपन नाम से एक डिसीज हो जाती है मतलब रिप्रोडक्शन में कमी आती है तो बिल्कुल विटामिन ई सही था और क्या क्वेश्चन में बना है तो क्वेश्चन बना है कि विच कंट्री लियोनल मेसी बिलोंग्स टू आप सभी जानते हैं मेसी जो है खिलाड़ी हैं किस देश से संबंधित है एक फुटबॉल प्लेयर है मेसी किस देश से संबंधित है किस देश से संबंधित है जल्दी से कमेंट करके बताओ तो देखो मेसी जो है वो अर्जेंटीना से संबंधित है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर अर्जेंटीना बात समझ में आ रही है चलो अगला प्रश्न क्या पूछा गया था सीएचएसएल में कि विच ऑपरेशन वॉज स्टार्टिंग ड्यूरिंग अगस्त मूवमेंट अगस्त आंदोलन के दौरान कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड एक तो क्वेश्चन है, 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 है अर्जेंटीना अब देखेंगे अगस्त आंदोलन अगस्त आंदोलन मतलब 1942 की बात हो रही है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो रहा है और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ तो बड़े बड़े जो राजनेता थे जैसे कि आ, ले लेते हैं हम महात्मा गांधी है ना इन सभी लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया महात्मा गांधी को आगा खां जेल में अरेस्ट करके डाला गया तो वो ऑपरेशन जो चलाया गया था उस ऑपरेशन का नाम यहां पर पूछा गया है तो बिल्कुल जीरो मुकेश कह रहे हैं जीरो बिल्कुल सही बात है जीरो ऑपरेशन ऑपरेशन जीरो आर तो अगस्त आंदोलन के समय ऑपरेशन जीरो आर चलाया गया था जिसके अंतर्गत जो भी बड़े राजनेता थे बड़े लीडर्स थे उनको भर के जेल में डाल दिया गया था और महात्मा गांधी को आगा खा पैलेस में रखा था इस बात को भी याद रखना है और आगा खा पैलेस कहाँ है तो पुणे में स्थित है बात क्लियर है और क्या क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन आया था सी एच एस एल में कि बाबर नामा किस भाषा में लिखी है और इस प्रश्न को तो मैं ना जाने कितनी बार डिस्कस कर चुकी हूं कि बाबर की ऑटोबायोग्राफी बाबर की आत्मकथा जो कि खुद बाबर ने लिखी है उसका नाम है बाबरनामा आपको बताना है कि ये जो बाबरनामा है ये किस भाषा में लिखी है चलो आंसर करो बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि बाबर नामा जो है वो तुर्की भाषा में लिखी है बिल्कुल देखो समृद्धि सिंह कह रही है तुर्की भाषा में है बिल्कुल तुर्की भाषा में लिखी गई है अगला प्रश्न पूछा गया था कि कैपिटल ऑफ कैनेडा क्या है तो कैनेडा बेसिकली यूरेनियम यूरेनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो कैनेडा है कैनेडा और अमेरिका को फोर्टी डिग्री चैनल अलग करता है जैसे कि मैंने बताया था कनाडा में जो है इसको हम गेहूं की मंडी के नाम से भी जानते हैं यहां पर बिनीपेग लेक है बिनी पेग लेक जिसको हम गेहूं की मंडी के नाम से जानते हैं मैकेजी मिसोरी और मिसिसिपी रिवर जो है वो यहाँ पर बह रही हैं तो कनाडा की जो कैपिटल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी ओटावा बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा ओटावा तो कैनेडा की कैपिटल क्या हो जाएगी ओटावा हो जाएगी कैनेडा में ही आपका मॉन्ट्रियल शहर है जहां पर ओजोन से रिलेटेड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में क्यूबेक सिटी भी आती है क्यूबेक जिसको देश के अंदर देश कहा जाता है क्यूबेक मतलब कंट्री विथ इन कंट्री बोला जाता है तो इज द राइट आंसर वेरी गुड ठीक है अगला यहां पे पूछा गया था कंबाला उत्सव मतलब भैंस दौड़ कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है कंबाला महोत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है उस स्टेट का नाम बताना ये सभी प्रश्न सीएचएसएल के हैं जो अभी पहली शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट में अभी कल हुए थे वो प्रश्न है अभी थोड़ी देर में हम ग्रुप डी का साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं चलो आंसर बताएंगे तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका तो कंबाला का से, कंबाला, कंबाला उत्सव आता है और कर्नाटका में यक्षगान भी होता है तो यक्षगान का भी संबंध जो है वो कर्नाटका से है इस बात को याद रखेंगे ठीक है ना डोडा बेटा कर्नाटक की हाईएस्ट पीक है कर्नाटका से ही आपको कावेरी नदी देखने को मिलेगी चलो अगली बात कर लेते हैं बिल्कुल 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था एज ऑफ एटीट्यूड जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अगला देखिएगा <coughs> मुलग मुलग मेडल वाज अवार्डेड टू प्लेयर पदक किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया तो ये आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन गया था तो रहने जो है अजिंक्य रहाने जो की क्रिकेट से संबंधित है उनको ये मुलग अवार्ड दिया गया था ठीक है न्यू ग्रोथ जो एक है न्यू ग्रोथ के भी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो रहने को बनाया गया है साथ ही साथ बीवो का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आपको विराट कोहली को बनाया गया है अगली बात कर लेते हैं कि बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है किस नदी पर है तो मैंने आपको सारी नदियां और उनके रिलेटेड प्रोजेक्ट आपको बताए हैं ज्योग्राफी की क्लास में अगर आपने नहीं देखा है तो आप महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जाके वो सारी चीजें देख सकते हैं तो बगलीहार सलाल और दुलहस्ती कौन कौन से बगलीहार सलाल और दुलहस्ती ये तीन प्रोजेक्ट कहाँ है तो ये तीनों के तीनों प्रोजेक्ट चिनाव नदी पर है बगलीहार सलाल और दुलहस्ती तो चिनाव नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं जैसा कि हमने आपको बताया था चिनाव नदी बारा लाचा पास से निकलती है तो बारा लाचा पास का संबंध किससे है तो बारा लाचा पास का संबंध है चिनाव नदी से और चिनाव नदी पर ही तो दुनिया का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज बनाया गया है ठीक है तो चिनाव रिवर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वेरी गुड अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं तो मतलब साइंस का ये प्रश्न है देखो कितना आसान प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि एल्टीट्यूड को मतलब ऊंचाई को मेजर करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हो तो मैंने आपको सिखाया है कि एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए ऑल्टीमीटर यूज करते हैं तो ऑल्टीमीटर वो डिवाइस है जो कि आपको समुद्र सतह से ऊंचाई मेजर करके बताता है ठीक है बिल्कुल वेरी गुड प्रेमशंकर जी अगली बात हम कर लेते हैं कि ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को तो है लेकिन किस अनुच्छेद में है ऑर्डिनेंस पावर किस अनुच्छेद में है चलो ऑर्डिनेंस <coughs> पावर तो देखिएगा ऑर्डिनेंस पावर किस अनुच्छेद में है तो राष्ट्रपति जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं वन टू थ्री से वन टू थ्री तो आर्टिकल वन टू थ्री ये भी मैंने आपको कई बार डिस्कस किया है बहुत आसान प्रश्न है आप देख पा रहे हो कि सीएचएसएल में कितने आसान प्रश्न पूछे गए हैं तो मुझे तो लगता है जो लगातार क्लास अटेंड कर रहा है तो ये सारे प्रश्नों का आंसर बिल्कुल दे सकता होगा। यंगेस्ट मेयर ऑफ केरला केरला के सबसे कम उम्र के मेयर कौन है तो जो महापौर कहलाते हैं जो नगर निगम के चुनाव होते हैं उनसे जो महापौर बनते हैं वही मेयर कहलाते हैं तो केरला के सबसे कम उम्र के मेयर हैं आर्या राजेंद्रन तो ये आपका करंट अफेयर्स से था आर्या राजेंद्रन अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो सुबह साढ़े छह बजे यूट्यूब पे मेरी क्लास होती है आप वहां से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं हु हैज गिवन द फर्स्ट वोट इन द 2019 इलेक्शन 2019 के इलेक्शन में सबसे पहली बार वोट किसने दिया तो ये तो ऑप्शन से आप सेटिस्फाइड कर सकते थे तो याद बता देती हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में जो आईटीपीपी के सोल्जर है उन्होंने दो में जो सत्रहवीं लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उस उसमें पहली बार वोटिंग किया था तो आईटीपीपी के सोल्जर्स इसको ऐसे रख लेंगे चलो गवर्नर बिल्कुल एज ऑफ एटीट्यूड जी गवर्नर टू वन थ्री प्रभाकर कुमार जी वन टू थ्री बिल्कुल यहां पे राष्ट्रपति जी और क्या क्वेश्चन पूछा गया ऑथर तो ऑफ अनटोल्ड स्टोरी अनटोल्ड स्टोरी जो पुस्तक है उसके लेखक का नाम पूछा गया था तो पुस्तकों से क्वेश्चन आ रहे हैं सत्यम मिश्रा जी बिल्कुल सुबह साढ़े छह बजे मेरी क्लास चलती है डेली ऋषि कुमार जी गुड इवनिंग मोस्ट मोस्ट वेलकम तो बिल्कुल देखो ऑथर ऑफ अनटोल्ड स्टोरी जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम है जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है बिंग्स ऑफ फायर भी अब्दुल कलाम की पुस्तक है तो ऑथर ऑफ अनटोल्ड स्टोरी कौन है एपीजे अब्दुल कलाम है ठीक हु लेट द 1857 revolt in रिवॉल्ट इन लखनऊ लखनऊ में अठारह की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था तो मैंने 1857 के रिवॉल्ट के सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी डिस्कस करा चुके हैं कि 1857 का रिवॉल्ट क्यों हुआ कब हुआ कहां से किसने रिप्रेजेंटेशन किया और उसके बाद क्या कहानी भारत में देखने को मिली तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने रिप्रेजेंटेशन किया था तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर बेगम हजरत महल ठीक है चलिएगा बेगम हजरत महल बिल्कुल सही बात है अकबर अंसारी जी आलोक जी अगला प्रश्न जो आपको सी एच एस एल में पूछा गया था वो था नियाबत एक खुदाई ये शीर्षक किस रूलर को दिया गया था नियाबक एक खुदाई शीर्षक किस रूलर को दिया गया था तो थोड़ी सी मैं आपकी यहां पे हेल्प कर देती हूं कि जिसने लोह और रक्त की नीति चलाई थी जिसने रक्त और लोह की नीति चलाई थी उसको ये टाइटल दिया गया था तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा बलवन तो नियाबत एक खुदाई शीर्षक जो था वो बनवल को दिया गया था बलवन जो है उसने लोह और रक्त की नीति भी चलाई थी <coughs> अगला क्वेश्चन है दस डिग्री चैनल दस डिग्री चैनल किसको किससे सेपरेट करता है बहुत ही सड़क क्वेश्चन है इतना आसान प्रश्न तो आना ही नहीं चाहिए ठीक है तो देखिएगा दस डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है तो दस डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से सेपरेट कर देगा अगला प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट और काफी न्यूज में था कि आईसीसी स्प्रिट ऑफ द क्रिकेट वाज़ अवार्डेड टू स्प्रिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसको दिया है तो देखिए जो सद्भावना से एक खिलाड़ी की भावना से खेल खेलता है उसको आईसीसी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है ठीक है तो आईसीसी का स्प्रिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया गया था धोनी को मतलब एमएस धोनी को तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एम एस धोनी अब यहां पे अगर आईसीसी प्लेयर डिकेट ऑफ द क्रिकेट पूछा जाता प्लेयर ऑफ द डिकेट पूछा जाता तो विराट कोहली वहां पर आंसर हो जाता ठीक है बिल्कुल चलिएगा अगली बात करते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड इन दूसरा गोल, जो मेल, गोल मेल सम्मेलन कहाँ हुआ तो जो लोग हिस्ट्री से वाक्य रखते हैं तो वो जानते हैं कि तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और तीनों के तीनों लंदन में हुई थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में है, अकेले गांधी जी गए थे और राजपूता नाम के जहाज से वो गए थे तो राजपूताना एक जहाज का नाम है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां हुई थी लंदन में हुई थी 1931 में हुई थी जिसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेशन किया था एकमात्र राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ठीक है ऋषि कुमार जी हां ये क्वेश्चन तो सीएचएसएल में आ रहे हैं तो अगला प्रश्न है अंडर विच अमेंडमेंट द वोटिंग एज वॉज द चेंज फ्रॉम ट्वेंटी वन ईयर्स टू एटीन ईयर पहले हमारा जो वोटिंग राइट right था वो इक्कीस साल था बाद में जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट आती है और वो देखते हैं कि भारत में यूथ जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है इसलिए उन्होंने जो वोटिंग राइट right था वो इक्कीस साल से घटाकर अठारह साल कर दिया था तो वो कौन सा संविधान संशोधन था क्या कहना है आपका इस बारे में आंसर करो अब हम बात करेंगे किसके साइंस के क्वेश्चन की ग्रुप डी के लिए चलो ये सी एच एस एल के कुछ क्वेश्चन थे जो हमने देखे तो एज ऑफ एटीट्यूड कह रहा है इकसठवा नंबर का संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था बिल्कुल बात है 61 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इकसठ नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम जो कि राजीव गांधी की गवर्नमेंट के समय पास हुआ था जिसके अंतर्गत इक्कीस साल की जो उम्र थी वो घटाकर अठारह साल कर दी गई थी राधे जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होती है बिल्कुल तीन हुई थी तीस इकतीस और बत्तीस में हुई थी बिल्कुल विनीत मिश्रा जी तो एक काम कीजिएगा राधे जी मेरा तीन घंटे का एक मैराथन क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री पे एक बार आप वो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास देखिएगा यकीन मानिए आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल मैंने गांधी की गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आते हैं और गांधी जी को जब तक नाथूराम गोट से गोली नहीं मार देते तब तक की पूरी घटनाएं मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की चर्चा की है तो आप महिन्द्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डालिएगा पूजा महिंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री मैराथन क्लास तो आपको वो आ जाएगा चलो अब हम बात कर लेते हैं सब्सक्राइब जनरल साइंस के क्वेश्चन ग्रुप डीवन ऑफ ठीक है चलो पहला प्रश्न सभी लोगों को आंसर करना है जो पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लो जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिले दो बार मेरी क्लास होती है एक सुबह साढ़े छः बजे होती है और एक शाम को चार बजे होती है सुबह साढ़े छः बजे करेंट अफेयर्स की क्लास होती है पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फिजिकल फेज ऑफ द लाइफ कॉल्ड जीवन का बौद्धिक चरण क्या कहलाता है प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल या इनमें से कोई नहीं तो देखिएगा जब हमने सेल स्ट्रक्चर सिखाया से था आपको बायो की पूरी क्लासेस डिटेल में मैंने पढ़ाई आप पूजा मंत्र सर्च करेंगे तो सेल की क्लास मिल जाएगी कोशिका तो जब मैंने कोशिका के बारे में बताया था तो मैंने कहा था कि कोशिका के अंदर कुछ पानी भरा हुआ होता है उस कोशिका के अंदर जो पानी भरा हुआ होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं या कोशिका द्रव्य कहते हैं फिर मैंने कहा था कि एक केंद्रक होता है और एक केंद्रक में भी कुछ पानी भरा होता है जिसको आप न्यूकोप्लाज्म कहते हैं क्या बोलते हो जिसको आप न्यूकोप्लाज्म के नाम से जानते हो तो जब साइटोप्लाज्म और न्यूकोप्लाज्म को एड कर दिया जाता है तो उसको कम्बाइनली आप प्रोटोप्लाज्म कहते हो इसको क्या कहते हो कम्बाइनली आप प्रोटोप्लाज्म कहते हो इसी प्रोटोप्लाज्म में माइट्रोकांड्रिया होता है इसी प्रोटोप्लाज्म में गोल्जी बॉडी होती है लाइसोसोम होता है तो प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइटोप्लाज्म नहीं बेटा प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म तो सेल के अंदर वाला पानी है अगर हम न्यूक्लस या केंद्रक के अंदर के पानी की बात करेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका प्रोटोप्लाज्म बात क्लियर हो रही है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है ठीक सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आइए अगला प्रश्न देखते हैं अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट सेल इज सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है नर्वस कोशिका है ओवम है का अंडा है या इनमें से कोई नहीं सबसे बड़ी कोशिका यहां पे पूछी गई है प्लेलिस्ट तो नहीं बनी है लेकिन सारी क्लास आपको पॉलिटिक की मिल जाएंगी पूजा महेंद्र आप सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल पे सुशील तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका नर्वस सेल है ठीक है न्यूरॉन जिसको हम बोलते हैं जिसको क्या बोलते हो आप लोग न्यूरॉन के नाम से जानते हो अगर हम फीमेल बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो फीमेल बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो ओबम होता है लेकिन यहाँ पे मेल फीमेल ह्यूमन की बातें नहीं हो रही है यहां पर सिंपल शब्दों में लिखा कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दे दिया है ऑस्ट्रिच का एग बिल्कुल सी इज द राइट आंसर ऑस्ट्रिच का एग ठीक अगला प्रश्न देखते हैं देयर आर नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी मानव के मानव के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है 638, 637, 639 या फिर 649 ये जो मसल्स होते हैं ये हमको जो हमारी पेशियां होती हैं हमको काम करने में मदद करती हैं बेसिकली जो मसल्स होती हैं वो एक्टिन और मायोसिन प्रोस्टीन से बनी होती हैं एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से जो है वो हमारी मसल बनी होती हैं और मसल्स की स्टडी को हम मायोलॉजी कहते हैं ये प्रश्न सी में आया था कि पेशी पेशियों की स्टडी को हम क्या कहते हैं तो मसल्स की स्टडी को हम मायोलॉजी कहते हैं तो कितनी होती हैं तो बिल्कुल देखो सही आंसर आ चुका है सिक्स थर्टी नाइन सिक्स थर्टी नाइन सब लोग कह रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है सिक्स थर्टी नाइन मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है तो सिक्स थर्टी नाइन होती है याद रखना जो बातें एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मसल्स होती हैं वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बनी होती हैं और मसल्स की स्टडी को हम मायोलॉजी के नाम से जानते हैं मसल्स का काम होता है एक्शन परफॉर्म करना जैसे कि मैं हाथ हिला रही हूं या अपन कोई भी बॉडी का मूवमेंट करते हैं वो मसल्स की सहायता से करते हैं पेशियों की सहायता से करते हैं ठीक है अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच इज द बर्डर ब्रेड डेट हैज टू चैम्बर्ड हार्ट वह कौन सा जीव है जिसमें दो कक्षीय हृदय होता है तो जैसे कि हमारा हृदय है हमारा हार्ट है तो ह्यूमन हार्ट जो होता है ह्यूमन हार्ट होता है उसमें चार चैम्बर होते हैं हमारे शरीर में चार चैम्बर हैं हमारे हार्ट में चार चैंबर हैं वैसे ही अगर क्रोकोडाइल की बात करें मगरमच्छ की बात करें तो मगरमच्छ में भी चार चैम्बर होते हैं लेकिन जनरली जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं रेप्टाइल का मतलब रेंगने वाले जीव जंतु रेंग के जो चलते हैं या फिर जो उभयचर होते हैं एम्फीवियन होते हैं मतलब जो पानी में भी रह लेते हैं और जमीन में भी रह लेते हैं जैसे कि फ्रॉग पानी में भी रह लेता है मेडक और जमीन पर भी रह लेता है तो सभी रेप्टाइल्स में तीन चैम्बर पाए जाते हैं यहां पर बात हो रही है कि दो चैम्बर किस में है तो देखो जो मछलियां होती हैं बिल्कुल सही आंसर आ चुका है फिश फिश में जो है वो मछलियों में दो चैंबर पाए जाते हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक अगली बात देखते हैं द नंबर ऑफ रिप्स इन द ह्यूमन बॉडी इज मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है तेईस चौबीस पच्चीस या बाईस रिप्स की संख्या बताइए हाँ और एक बार लिंक को शेयर भी कर देंगे वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि अंत में क्या होगा वही अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा साथ ही साथ आज भीम जयंती है तो बाबा साहब अंबेडकर की भी कुछ बातें हम चर्चा करेंगे वीडियो के अंत में तो मानव शरीर में जो रिप्स होती हैं पसलियां होती हैं उनकी संख्या होती है चौबीस एक तरफ बारह दूसरे तरफ भी बारह तो बारह और बारह हो गए चौबीस ठीक है अगली बात देखते हैं विच इज द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस्ट बर्ड सबसे छोटा ना उड़ने वाला पक्षी यहाँ पे उड़ने वाला नहीं होगा ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है फ्लाइटलेस लिखा हुआ है ना जो उड़ नहीं सकता सबसे छोटा ना उड़ने वाला पक्षी हालांकि जो चारों पक्षी हैं ये उड़ नहीं सकते चाहे वो किवी हो पेंगुइन हो ऑस्ट्रिच हो या रिया हो ये चारों के चारों पक्षी ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते लेकिन सबसे छोटा कौन सा है तो सही आंसर क्या हो जाएगा कीवी कीवी बहुत छोटा सा पक्षी होता है जो उड़ नहीं सकता तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों का आंसर कुछ लोगों का डी आ रहा है कुछ लोगों का ए आ रहा है तो ए बिल्कुल सही आंसर होगा अगला है हमारा सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोरोलॉजी किसकी अध्ययन कहलाता है किसका अध्ययन कहलाता है तो एक का क्वेश्चन तो आपको ऐसा मिल ही जाता है तो देखिएगा जो लिजट होती हैं जो छिपकली होती हैं उनकी स्टडी को हम सोरोलॉजी कहते हैं अब जैसे कि दीवाल होती है दिवाल और लिजर्ट के बीच में जो फोर्स काम करता है तो उसको हम बॉन्डर वॉल फोर्स के नाम से जानते हैं क्या बोलते हैं उसको बॉन्डर वॉल फोर्स के नाम से जानते हैं तो याद रखिएगा कि ये जो बॉन्डर वॉल फोर्स होता है वो बहुत कमजोर होता है अगर आप छिपकली को छेड़ दोगे तो वो आपके ऊपर गिर जाएगी तो ये जो छिपकली होती है लिजर्ट होते हैं और दीवाल होती है उसके बीच में बॉन्डर वॉल फोर्स आपको देखने को मिलेगा ठीक है ट बिल्कुल सही आंसर है शेखर अगला प्रश्न देख लेते हैं वॉट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड शुगर इन द बॉडी क्या नॉर्मल वैल्यू होती 80 से 120 70 से 120 90 से 120 या 60 से 120 सौ बीस एम जी पर हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड नॉर्मली एक व्यक्ति के शरीर में ब्लड शुगर का लेवल कितना होता है आसान है ये प्रश्न बता दो तो बिल्कुल अपन लिखते हैं 80 और 120 है ना तो 80 से 120 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चलो अगली बात कर लेते हैं हम विच इज लार्जेस्ट ब्लस्ट वेसल इन बॉडी शरीर में सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी है तो देखिएगा ब्लड वेसल्स वो होती हैं जो ब्लड को कैरी करने का काम खून को ले जाने का काम करती हैं। मानव शरीर में दो प्रकार की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं एक को आप आर्टरी कहते हैं आर्टरी को अगर हिंदी में समझे तो हिंदी में इसको धमनी कहते हैं और दूसरी होती है वेंस वेंस को आप सिरा बोलते हैं अब इन दोनों में अंतर क्या है कि दोनों की दोनों ब्लड को कैरी करने का काम करती हैं खून को ले जाने का काम करती हैं लेकिन जो आर्टरीज होती हैं वो प्योर ब्लड प्योर ब्लड मतलब शुद्ध खून को ले जाती हैं जबकि जो वेन्स होती हैं वो इम्प्योर ब्लड मतलब अशुद्ध खून को ले जाती हैं। अब ये शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं होता है ये हमारा हमारा मनगणन कहानी है प्योर ब्लड का मतलब होता है ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा हो उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है तो उसका कलर लाल होता है इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा होता है उसको इम्प्योर ब्लड कहते हैं इम्प्योर ब्लड को ले जाने का काम वेन्स करती है और इसका कलर क्या होता है हल्का सा पर्पल होता है अगर आप अपने हाथों को देखोगे तो आपके हाथों में ऊपर आपको ग्रीन या पर्पल कलर की लाइन्स दिखती है ब्लू कलर की वो आपकी वेन्स है जो इम्प्योर ब्लड को ले जा रही है और उसके नीचे क्या होंगी आर्टरीज होंगी जो शुद्ध खून को ले जाएंगी गुड इवनिंग पूरण मीना तो बिल्कुल यहां पे सबसे बड़ी ब्लड वेसल की बात हो रही है तो सबसे बड़ी कौन सी है अरोटा है जिसको आप हिंदी में महाधमनी भी कहते हैं तो अरोटा जो होती है वो सबसे बड़ी रक्तवाहिका होती है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न है हाउ आर द फॉलोइंग एलिमेंट अरेन्ज इन दिओडिक टेबल प्रियोडिक टेबल में किस हिसाब से आप इन तत्वों को रखेंगे तत्वों के नाम है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरेलियम और बोरॉन किस हिसाब से इन तत्वों को रखोगे तो देखिए अगर हम प्रियोडिक टेबल की बात करते हैं तो जब भी प्रियोडिक टेबल की बात होती है दो वैज्ञानिकों के नाम हमेशा याद किए जाते हैं और वो बिल्कुल राजकुमार जी हीमोग्लोबिन का के कारण ब्लड का कलर रेड होता है ठीक है चलो अगली बात कर लेते हैं अगर हम जब भी प्रियोडिक टेबल की बात करेंगे तो दो वैज्ञानिकों को याद करेंगे एक है मैंडलीव और एक है मोसले तो मैंडलीव और मोसले हालांकि फादर ऑफ मॉडर्न प्रियोडिक टेबल हम मोसले को कहते हैं तो मैंडलीव ने भी प्रियोडिक टेबल बनाई थी और मोसले ने भी प्रियोडिक टेबल बनाई थी बस एक छोटा सा अंदर था दोनों की टेबल में जो मैंडलीफ की टेबल थी उन्होंने एटोमिक मास मतलब परमाणु भार के हिसाब से टेबल बनाई थी जबकि जो मोसले साहब थे उन्होंने एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक के हिसाब से टेबल को बनाया था तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है तो मैंडलीफ ने एटॉमिक मास के हिसाब से टेबल बनाई और मोसले ने एटॉमिक नंबर के हिसाब से टेबल बनाई अब इनको खटाखट आप अरेंज कर दो तो सबसे पहले देखो हाइड्रोजन का नंबर होता है वन हीलियम का नंबर होता है दो लिथियम का नंबर होता है तीन बोरॉन का नंबर होता है चार और सॉरी बेरिलियम का नंबर होता है चार और बोरॉन का नंबर होता है पांच तो सिक्वेंस भी यही होगा कौन फॉलो कर रहा है ये सिक्वेंस तो ऑप्शन नंबर ए फॉलो कर रहा है तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोनिया जी नमस्ते ठीक है अगली बात कर लेते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल कितने पीरियड्स होते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में तो हमारी जो टेबल होती है जो टेबल होती, होती है उसमें कुछ रोस होती हैं और इन रो को ही आप पीरियड बोलते हो इन रो को आप पीरियड बोलते हो और कुछ कॉलम्स भी तो होते हैं टेबल में तो कॉलम्स को हम ग्रुप बोलते हैं कॉलम्स को क्या बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं तो हमारी टेबल में 18 ग्रुप होते हैं मतलब 18 कॉलम्स होते हैं पीरियड्स पूछा है मतलब रो की संख्या है, पूछी है, तो सात रो होती है तो सात और अठारह याद रख लेना कहानी यहां पे सेट हो जाएगी तो बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सेवन इज द राइट आंसर सेवन बिल्कुल यशवंत जी राजकुमार एज ऑफ एटीट्यूड शेखर बिल्कुल सही आंसर है सेवन बात क्लियर है साथ ही साथ प्रियोडिक टेबल जो होता है वो चार ब्लॉक में भी डिवाइड होता है प्रियोडिक टेबल को चार ब्लॉक में भी डिवाइड किया गया है कौन कौन से एसपीडी और एफ तो चार ब्लॉक भी होते हैं हमारे टेबल में एस ब्लॉक में सारी की सारी धातुएं मिलती हैं पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स होते हैं अधातुएं होती हैं डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं संक्रमण तत्व होते हैं और एफ ब्लॉक में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो एस पी डी एफ और एफ ब्लॉक जो होती है वो एंथेनाइट एंते, और लेक्टेनाइट श्रेणियों से मिलकर बनी होती है ठीक चलो अगली बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलिंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द नोबल गैस इनमें से कौन नोबल गैस का तत्व नहीं है हीलियम नियॉन जेनॉन या फिर हाइड्रोजन तो अगर हम बात करते हैं नोबल गैस के बारे में तो नोबल गैस जो है वो ग्रुप नंबर अठारह के एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर अठारह में ये एलिमेंट्स आते हैं इसको जीरो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है इसको जीरो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है नोबल गैस वो होती हैं जो किसी के साथ भी प्रतिक्रिया नहीं देती या नोबल गैस वो होती हैं जिनकी बैलेंसी जीरो होती है जिनकी बैलेंसी क्या होती है जीरो होती है मतलब ना किसी से इलेक्ट्रॉन को देना है ना किसी से इलेक्ट्रॉन को लेना है ना उधार चाहिए है ना उधार देना है वो आपकी नोबल गैस कहलाती है तो हीलियम आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन और रेडॉन ये सारी आपकी नोबल गैस हैं। जबकि हाइड्रोजन एक नोबल गैस नहीं है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन एक नोबल गैस नहीं है अगर हम सबसे भारी नोबल गैस की बात करते हैं तो सबसे भारी नोबल गैस जो है वो रेडॉन है और सबसे हल्की नोबल गैस कौन सी है तो हीलियम है ठीक है जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है तो अगर प्रश्न आता है कि स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं तो आंसर हो जाएगा जेनॉन न्योन और ऑर्गन और जो गैस है वो बल्ब वगैरह में सी एफ एल वगैरह में उपयोग की जाती है हीलियम का उपयोग गुब्बारों में किया जाता है जो उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं ना उनमें हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन या फ्यूचर फ्यूल भी कहते हैं ठीक है अगली बात कर लेते हैं बिल्कुल अमित जी इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है आप सही कह रहे हैं अगला है हमारे पास वॉट इज द नेम ऑफ दैट प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोलाइसिस आयोनाइजेशन या रिडक्शन तो देखिएगा अगर हम केमिकल प्रक्रियाओं की बात करें तो दो प्रक्रियाएं आपको याद रखनी है एक होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस और एक होता है रिडक्शन मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दो प्रतिक्रियाओं के बारे में मैं आपको बता देती हूँ एक होता है ऑक्सीकरण और एक होता है अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है प्रश्न को पढ़ो ऐसे कैसे कुछ तो भी बता रहे हो ए आंसर कैसे बता दिया प्रश्न क्या है कि वह है प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अलग होती है रिडक्शन तो में अलग होती है अगर लिखा होता है वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है ऑक्सीजन का अलग होना रिडक्शन है बात समझ में आ रही है तो सही आंसर क्या हो जाएगा रिडक्शन ठीक है रिडक्शन जैसे कि हम बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में हम बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी आपस में सूरज की रोशनी में रिएक्ट करते हैं और ग्लूकोज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स बना लेते हैं साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस को छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन गैस निकल गई इसको आप रिडक्शन समझ सकते हैं अगली बात कर लेते हैं हम रस्टिंग इज इन अ रिएक्शन जंग लगना क्या है आयोनाइजेशन है ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है या इनमें से कुछ भी नहीं है लोहे पे जंग लगना क्या है आ, मीना जी इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी तो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में लिंक और उस लिंक पे जब आप पांच बजे के बाद आप क्लिक करेंगे तो उस लिंक के जरिए आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे बिल्कुल सही बात है जब किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया और अपचयन की प्रक्रिया साथ साथ होती है तो उस प्रक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं तो आप लोग ने सुना भी होगा रेडॉक्स के बारे में तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ ही साथ हो जाए तो बिल्कुल यहाँ पे लोहे में जंग लगने की बात हो रही है तो लोहे पे जंग लगना क्या है बिल्कुल एक केमिकल प्रोसेस तो है ही लेकिन कौन सी प्रोसेस है ऑक्सीडेशन है क्योंकि आयरन को जब खुला छोड़ दोगे तो वह एटमोस्फियर की ऑक्सीजन के साथ और एटमोसफियर के मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लेगी और आयरन ऑक्साइड बना लेगी और इस आयरन ऑक्साइड को ही रस्ट कहते हैं या जंग लगना कहते हैं तो आयरन में देखो ऑक्सीजन जुड़ गया और किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बात कर खत्म चलो अगली बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन है एसिड रिएक्ट अ मेटल कार्बोनेट, द प्रोडक्ट फॉर्मड आर कोई एक जब धातु है और वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है तो क्या उत्पाद बनेगा तो देखिएगा कोई भी कार्बोनेट ले लेते हैं हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट ले लिया और कोई एक मेटल उठा लो मान लेते हैं कॉपर उठा लिया या कैल्शियम उठा लिया कोई भी मेटल आपने उठा लिया जब किसी कार्बोनेट के कैल्शियम के साथ रिएक्ट होगी तो देखो कार्बो सी टू है मतलब सी थ्री है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो डेफिनेटली निकलने वाली है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी ही इसके अलावा और क्या क्या बन सकता है चलिए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए सॉल्ट निकलेगा वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो जब कोई धातु किसी कार्बन अम्ल के साथ रिएक्ट करती है देखो धातु अम्ले के साथ अम्ल ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक कार्बोनेट ले लिया आपने इन दोनों को जरा रिएक्ट करा दो पहली चीज मेटल और कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी अगर अम्ल और कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी ही निकलेगी साथ ही साथ यहां पर देखो एक आपको सॉल्ट मिल जाएगा NaCl और H2O मतलब वाटर बन जाएगा बात समझ में आ रही है कि रिएक्शन को पूरा लिख के बता देती हूँ एक बार जिससे और क्लियर हो जाए एच सी एल एक अम्ल है एन ए टू सीओ थ्री एक कार्बोनेट है इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो एन ए सी एल सॉल्ट बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाल दिया और पानी भी बना लिया तो तीनों चीज बनती है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलिंग इज इन अ लिक्विड फ्रॉम एट रूम टेम्परेचर इनमें से कौन कमरे के तापमान में तरल अवस्था में पाया जाता है लिथियम सोडियम फ्रांसियम या सीजियम सीडियम तो देखिएगा अगर हम नॉर्मली बात करें अभी कमरे अमरे के तापमान को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं अगर नॉर्मली बात करें तो हमारे प्रियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, 118 एलिमेंट हमारे टेबल में मिलते हैं अब इस 118 एलिमेंट्स में से केवल और केवल दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं वो दो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं तो एक तो आप जानते हैं मरकरी और दूसरा होता है तो ब्रोमीन तो ब्रोमीन और मरकरी केवल दो ऐसे एलिमेंट हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं अब बात आते हैं कमरे के तापमान पे तो कमरे के तापमान में कमरे के तापमान पे चलिए और कमरे के तापमान पे जो धातु आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगी वो फ्रांसियम है क्या है वो फ्रांसियम तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल धर्मेंद्र पाल जी नाइनटी एट नेचुरल एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है अगली बात कर लेते हैं फ्रॉम मिनरल इज द रेडियम रेडियम तो को किस खनिज से प्राप्त किया जाता है तो so, रेडियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर कंसिडर किया जाता है तो so, रेडियम को हम किससे प्राप्त करते हैं रूटाइड हेमेटाइट लाइम स्टोन या पिच ब्लेंड किससे हमको रेडियम की प्राप्ति होती है थैंक यू अनुराग जी चलिए तो रेडियम की प्राप्ति हमको पिच ब्लेंड से होती है और यूरेनियम की प्राप्ति भी आपको पिच ब्लेंड से होती है तो यूरेनियम और रेडियम दोनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और दोनों की प्राप्ति आपको किससे होती है पिच ब्लेंड से होती है तो जल्दी से आप मुझे ये बता दो कि हेमेटाइट किसका अयस्क है हेमेटाइट किसका ओर है कमेंट करो कि हेमेटाइट किसका ओर है ठीक है बिल्कुल थोरियम थोरियम मिलता है बेसिकली एज ऑफ एटीट्यूटी सबसे ज्यादा आपको केरला में अगला प्रश्न हम देख लेते हैं यहां पे पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज इन पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग कहां पर किया जाता है मेडिसिन में फर्टिलाइजर्स में सॉल्ट में या फिर ग्लास में बिल्कुल हेमेटाइट जो है वो आयरन मतलब लोहे का अयस्क है बिल्कुल सही है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आयरन के ओर होते हैं आयरन का अयस्क होता है तो पोटेशियम नाइट्रेट तो आपने सुना होगा एनपीके के बारे में एनपीके नाइट्रोजन पोटेशियम और फॉस्फोरस ये तीनों मिलके आपके फर्टिलाइजर्स बनाते हैं ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं फर्टिलाइजर्स बनाते हैं तो बिल्कुल यहां पर पोटेशियम नाइट्रेट का यूज हम कहाँ करेंगे फर्टिलाइजर्स में करेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अगला है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर वाटर मे बी रिमूव बाय द एडिशन ऑफ तो कल मैंने आपको कल की क्लास में हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में बताया था मैंने कहा था कि दो प्रकार की हार्डनेस होती, होती, होती है एक परमानेंट हार्डनेस होती है और एक टेम्पररी हार्डनेस होती है परमानेंट हार्डनेस जो होती है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं क्योंकि टेम्प्ररी जो हार्डनेस होती है जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई के कारण होती है उसको तो पानी को उबाल कर आप दूर कर लोगे लेकिन जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण परमानेंट हार्डनेस होती है उसको आप कैसे दूर करोगे तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर आप उसमें सोडियम कार्बोनेट मिला देंगे सोडियम कार्बोनेट मतलब वाशिंग सोडा तो अगर आप उसमें सोडियम कार्बोनेट मिला देंगे तो पानी की स्थाई कठोरता को दूर किया जा सकता है तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए पोटेशियम परमैंगनेट कहां पे आ गया KMnO3 KMnO3 पोटेशियम पर होता है लेकिन ये नहीं है सही आंसर है सोडियम कार्बोनेट अच्छा आलोक जी कह रहे हैं कि एन में आया था बिल्कुल ए आंसर करेक्ट होगा चलो अगला देख लेते हैं क्वार्ड क्रिस्टल नॉर्मली यूज इन अ कॉर्ड्स क्लॉक इट्स केमिकल इज तो देखिएगा जो कॉर्ड्स क्रिस्टल होते हैं बेसिकली कॉर्ड्स क्रिस्टल जो है वो वॉच में यूज किए जाते हैं इसका जो यूज होता है वो शार्प फ्रिक्वेंसी को जनरेट करने के लिए किया जाता है शार्प फ्रिक्वेंसी को जनरेट करने के लिए हम कॉर्ड्स क्रिस्टल का यूज करते हैं तो आपको बताना है कि जो कॉर्ड्स क्रिस्टल है बेसिकली नॉर्मली किससे बने होते हैं सिलिकन डाईऑक्साइड जर्मेनियम ऑक्साइड अ मिक्सचर ऑफ जर्मेनियम ऑक्साइड इन द सिलीकन डाइऑक्साइड या फिर सोडियम सिलकेट राजेश जी मैं मध्यप्रदेश से हूं तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमन जी बिल्कुल प्रेमशंकर जी ए सही आंसर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऑक्साइड एस आई ओ टू एस आई ओ टू ठीक है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चलो अगला ब्रास गेट डिजॉल्व इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इन एयर वायु में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल वायु में विघटित हो जाती है तो पीतल मतलब ब्रास कॉपर और, और जिंक से मिलकर आपका ब्रास बनता, बनता है आपको बताना है किस गैस की उपस्थिति के कारण इसका कोरोजन होने लगता है विघटन होने लगता है आंसर करो अगर आपको पता है कि कॉपर किसके कारण विघटित होती है तो आप पीतल का भी बता देंगे देखिए कोरोजन का मतलब ये नहीं होता है कि केवल लोहे में जंग लगना कोरोजन है नहीं चांदी काली पड़ जाती है कॉपर अगर वायु में छोड़ दिया जाए तो हरा पड़ जाता है तो चांदी का काला पड़ना कार्बन डाइऑक्साइड है और कॉपर का, का हरा पड़ना हाइड्रोजन सल्फाइड है तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन सल्फाइड बात क्लियर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड अगला देख लेते हैं क्लोरोफिल इज अ नेचुरली ऑक्करिंग कैलिट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मिनरल इज क्लोरोफिल में बेसिकली कौन सी धातु पाई जाती है कॉपर मैग्नीशियम आयरन या फिर कैल्शियम बहुत ही आसान प्रश्न है ये जो क्लोरोफिल होता है इसी के कारण पेड़ पौधे जो हैं वो हरे रंग के दिखाई देते हैं क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है देखिएगा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है और ये जो मैग्नीशियम धातु होती है वो सूरज की रोशनी को एब्सॉर्व कर लेती है सूरज की रोशनी को क्या करती है एब्सॉर्व करती है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हो पाती है तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाएगा मैग्नीशियम बिल्कुल एम इज द राइट आंसर मीना जी मेरे क्लास का टाइमिंग सुबह साढ़े छह बजे करेंट अफेयर्स की क्लास और शाम को चार बजे स्टैटिक की क्लास अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन है इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और उसके बाद हम बाबा साहब अंबेडकर की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन अमल गम विथ अदर मैटर अमल गम जो है अमल गम अमल गम जो है किस धातु का प्रयोग किया जाता है अमल गम में किस धातु का प्रयोग किया जाता है टिन मरकरी लेड या फिर जिंक जो भी आपका आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और जिन भी स्टूडेंट का सही आंसर होगा उनको उनका जो नाम है वो हम अपने पीपीटी में प्रेजेंटेशन में शामिल करेंगे क्लियर है आइए अब हम बात कर लेते हैं बाबा साहब अंबेडकर जयंती के बारे में आज चौदह अप्रैल और 14 अप्रैल को हम बाबा साहब अंबेडकर की जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसको हम भीम जयंती के नाम से भी जानते हैं और आप सभी जानते हैं कि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि 14 अप्रैल को हम गवर्नमेंट हॉलिडे डिक्लेयर करेंगे तो आज के दिन आपका गवर्नमेंट हॉलिडे भी है साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर की हम एक सौ तीस एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो एक जयंती हम बाबा साहब अम्बेडकर की सेलिब्रेट कर रहे हैं Clear. बाबा साहब अंबेडकर जो थे उन्होंने दलितों के वेलफेयर के लिए दलितों मतलब जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए सोशल जस्टिस लाने के लिए सामाजिक न्याय लाने के लिए हमारे समाज से जो दलितों के लिए डिस्क्रिमिनेशन था भेदभाव था उसे अलग करने के लिए महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए महिलाओं को एजुकेशन सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने काफी सारे काम किए तो आइए हम बाबा साहब अम अम्बेडकर की थोड़ी सी बातें यहां पर समझ लेते हैं तो पहली बात क्या है बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म चौदह अप्रैल को एट्टीन में हुआ था कहाँ पर मध्य प्रदेश के महू में मध्य प्रदेश के महू में जिसका नाम बदल के अब डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है तो महू का नया नाम क्या है तो डॉक्टर अंबेडकर नगर है जो कि मध्य प्रदेश में इंदौर में है अगर हम अंबेडकर की डेथ की बात करते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का निधन कब हुआ तो 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हुआ ठीक है अगली बात कर लेते हैं कि इनकी नेशनलिटी ऑब्वियसली इंडियन थे इनके फादर का नाम रामजी मालोजी सखपाल था ठीक है अब देखते हैं और क्या बातें हैं अंबेडकर जी की माता का नाम भीमा बाई था इनकी वाइफ का नाम रमा देवी अंबेडकर था वाइफ का नाम क्या था रमा देवी अंबेडकर था लेकिन उनका 1935 में निधन हो जाता है जिसके बाद वो दूसरी शादी करते हैं और दूसरी वाइफ का नाम जो है वो डॉक्टर सबिता अंबेडकर होता है ठीक है अगर अंबेडकर की एजुकेशनल डिग्री की बात करें तो इनको बैरिस्टर के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में पढ़ाई की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की और बैरिस्टर की उपाधि इन्होंने धारण की अगली बात कर लेते हैं इनको कौन कौन से यहाँ पर अवार्ड्स दिए गए हैं तो बोधि सत्व अवार्ड नाइन में मिला भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया कि जो कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है 1990 में बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न सम्मान दिया गया था ठीक है इसके अलावा द ग्रेटेस्ट इंडियन अवार्ड दो में इनको दिया गया था अगर अंबेडकर के द्वारा बनाई गई पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया तो तीन पार्टियों से संबंध बाबा साहब अंबेडकर का है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और रिपब्लिकेशन पार्टी ऑफ इंडिया आप सभी को पता होगा कि जो पूना पैक्ट है पूना पैक्ट का संबंध भी अंबेडकर से है तो पूना पैक्ट जो है बेसिकली पूना की जेल में हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में हुआ था जहां पर दलितों के लिए आरक्षण की बातें की गई थी तो पूना पैक्ट भी आपको याद रखना इसका संबंध भी बाबा साहब अंबेडकर से ही है। पूरा पैक्ट को सरोजनी नायडू ने दो महात्माओं का मिलन कहा था क्योंकि महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर यहां पर बातें कर रहे हैं तो दो महात्माओं का मिलन भी है ये सोशल अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो बेस्ट क्या है वैश्विक हितकारिणी सभा इन्होंने बनाई थी और समता सैनिक दल इन्होंने बनाया था समता सैनिक सैनिकगल बिल्कुल नेल्सन मंडेला को भी 1990 में भारत रत्न मिला था और बाबा साहब अंबेडकर को भी 1990 में भारत रत्न मिला था भीम जयंती के नाम से भी इसको जाना जाता है द क्रेडिट ऑफ गिविंग प्लेस टू द अशोक चक्र इन द इंडियन ट्राई कलर ऑल्सो गोज टू द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारा जो नेशनल फ्लैग का डिजाइन है इसको अप्रूव भी किया था बाबा साहब अंबेडकर ने और जो हमारा अशोक चक्र का डिजाइन है जिसमें तीन कलर भी होते हैं हम सेफ्रॉन कलर ग्रीन कलर और वाइट कलर देखते हैं इसको भी अप्रूव करने का काम जो है वो बाबा साहब अंबेडकर ने किया था ठीक है जो हमारे विनर है नोबल प्राइज विजेता है अर्थशास्त्री अमृत सेन ने फादर ऑफ इकोनॉमी कंसिडर किसको किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किया है डॉक्टर अमृत सेन के अनुसार बाबा साहब अंबेडकर जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमी अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं ठीक है ठीके? अब इनकी मुलाकात एक महंत वीर चंद्र दामनी से होती है जिसके बाद इन्होंने बुद्धिज्म को अडोप्ट किया और मॉडर्न बुद्धिज्म एरा की शुरुआत होती है तो मॉडर्न बुद्धिज्म एरा की शुरुआत करने वाले भी बाबा साहब अम्बेडकर को ही माना जाता है ठीक है बहुत सारे इन्होंने हमारे देश में वेलफेयर के काम किए हैं बहुत ही सारा इन्होंने काम किया है ठीक है सबसे ज्यादा जो बुक आज तक लिखी गई है ना अगर किसी फ्रीडम फाइटर पे लिखी गई है या किसी व्यक्ति पे सबसे ज्यादा जो बुक लिखी गई है तो बाबा साहब अंबेडकर ही है जिन पे सबसे ज्यादा पुस्तकों को लिखा गया है अगर बाबा साहब अंबेडकर के पहले स्टेच्यू की बात करते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर का जो पहला स्टेच्यू था वो उन्नीस में बनाया गया था जब वो जिंदा थे क्योंकि नाइनटीन में इनका डेथ होता है तो उन्नीस में कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेचू बनाया गया था बाबा साहब अम्बेडकर वो पहले सत्याग्रही थे जिन्होंने ड्रिंकिंग वाटर पीने योग्य पानी के लिए सत्याग्रह 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 किया आपने नमक सुना सुना है किसानों सुना है किसानों का लेकिन आपने ड्रिंकिंग वाटर का सत्याग्रह नहीं सुना होगा तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए सत्याग्रह करने वाले पहले जो सत्याग्रही थे वो बाबा साहब अंबेडकर को ही माना जाता है बात क्लियर हो रही है बिल्कुल एज ऑफ एटीट्यूड जी अमृत सेन को भी नोबेल प्राइज इकोनॉमी के क्षेत्र में उन्नीस में दिया गया है और अमृत सेन के अनुसार फादर ऑफ इकोनॉमी उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को बताया है तो ये बातें कुछ आपको बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पता होनी चाहिए आज उनकी जयंती है तो बिल्कुल एक रिस्पेक्ट होना चाहिए उनके लिए क्योंकि उन्होंने हमारे समाज की दशा को सुधारने के लिए वो खुद एक दलित वर्ग से थे और दलितों के साथ जब उन्होंने अन्याय देखा तो हमें सोशल रिफॉर्म की करने की उन्होंने कोशिश की तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आज जो लड़कियां स्कूल जा पाती हैं एजुकेशन सेक्टर में महिलाओं की जो भागीदारी दिखती है वो पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर को ही जाता है तो ये थे हमारे बाबा साहब अंबेडकर और आज हम बातें समझ में सुबह साढ़े छह बजे करंट अफेयर्स के साथ और शाम को चार बजे करंट स्टैटिक प्रश्नों के साथ पीडीएफ का लोड कोई भी नहीं लेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी उस लिंक के जरिए पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे थैंक यू सो मच